अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि काफ़ी लोगों ने मुझे जो है वो DM किए इंस्टाग्राम पे कि आप हमें कोई वेट लॉस के टिप्स बता सकती हैं, क्योंकि आजकल ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना, क्योंकि डिलीवरी के बाद स्पेशली प्रेगनेंसी के आफ्टर पोस्टमार्टम डिलीवरी, उसके बाद जो है ना आपका काफ़ी ज़्यादा वेट पुट ऑन हो जाता है प्रेगनेंसी में, और वो नेचुरल चीज़ है, वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और उसी हिसाब से क्योंकि मैंने फ़र्स्ट प्रेगनेंसी के बाद भी काफ़ी वेट, लाइक शादी पे मेरा था 45 kg, एंड जब मेरी डिलीवरी हुई थी फर्स्ट बच्चे के बाद तो मेरा था 60 हो गया था, एंड फिर उसके बाद मैंने 60 के बाद मैंने दोबारा उसको 50 पे ले आई थी, एंड जब जीनिया हुई थी तो फिर जीनिया के वक्त मैंने जो है वो 20 kg पुट ऑन कर लिया था, तो वो मेरा 70 हो गया था। तो उसके बाद मैंने ऐसा क्या किया जो मैंने कनाडा में आके लाइक एक वीक मैंने ये चीज़ की थी और उससे मेरा 4 kg कम हो गया था। तो ये आप लोग देख रही हैं आलमंड फ्रूट क्रंच है, लाइक $15 का। इस ये ग्लूटेन फ्री है, इसके अंदर सिर्फ आलमंड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, रीजन्स हैं, और डिफरेंट किस्म के जो है ना वो सीड्स कह सकते हैं, सीड्स वाला सीरियल है, एंड इट्स ग्लूटेन फ्री और इसके अंदर कोई शुगर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैंने जो है ना वो एक हफ़्ता और भी काफ़ी कुछ मैंने किया था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डे बाय डे बता। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी एक सीरीज़ बताऊं कि मैंने 1 week में ऐसा फुल मॉर्निंग टू इवनिंग क्या किया था, उसका मेन जो है ना वो इसका ये है कि मैंने ब्रेकफास्ट में ये हेल्दी लिए थे और इट्स ग्लूटेन फ्री और इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। ये मैंने एक बोल लिया था और इसके अंदर मैंने ले लिया था दूध। आप लोग भी मर्ज़ी है, आप लोग इसको दूध में डालना चाहिए या फिर ग्रीक योगर्ट होता है, ग्रीक योगर्ट में मैंने डाला था, लेकिन मुझे इसका इतना अच्छा वो फ्लेवर नहीं लगा था। मोस्टली लोग जो है ग्रीक योगर्ट भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने जो है वो सुबह सुबह नाश्ते में जो है वो दूध में ही 1/2 cup मैंने दूध लिया था, और उसके अंदर जो है वो मैंने आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, ल्यूक वार्म भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ठंडा लिया था क्योंकि मुझे ठंडा दूध ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने सुबह कोई चीज़ और सैंडविचेस और ब्रेड वगैरह मैंने एक हफ़्ता नहीं ली डेली, और ये आपकी बोन्स के लिए काफ़ी अच्छे हैं, स्पेशली जिन औरतों को कमर की दर्द होती है उनके लिए सीड्स, पम्पकिन सीड्स काफ़ी अच्छे हैं, और सुबह सुबह आप उसमें आलमंड खाएं, पम्पकिन सीड खाएं, वॉलनट और क्रैन बेरी होता है इसके अंदर, और काफ़ी जो है ना कुछ मेवाजात जिसको कहते हैं वो होते हैं, साथ में सीड्स होते हैं। सीड्स औरतों के लिए हर लिहाज से बहुत ही अच्छे हैं। साथ में मैंने कॉस्टको से यही लिया था, साथ में मैंने ब्लूबेरीज ली थी, और साथ में मैंने एक हाफ कह सकते हैं क्योंकि आपके पे बनाना बड़ा होता है, तो मैंने हाफ बनाना ले लिया था, उसको बारीक स्लाइस कर दिया था, एंड साथ में जो है वो मैंने इसमें डाल दिया था हनी। आप लोग पे डिपेंड करता है आप लोगों ने कितना हनी डालना है, आप लोग इसके अंदर डेट्स भी डाल सकते हैं, और हाँ आप लोग अगर चाहें तो इसमें ओट्स भी डाल सकते हैं। 2 tablespoons ओट्स दूध में डाल के आप रात को एक कोई जार ले लें और उसमें ओवरनाइट सो करके रख दें, और अगर आप चिया सीड्स खा सकते हैं तो ज़रूर खाइएगा, वो भी उनको रात को डाल के ना सो करके रख दें एक जार में, और सुबह वो निकाल के ये सीरियल्स डाल के एंड आप मज़े से खा सकते हैं। लेकिन बात ये है कि मुझे ना ओट्स पसंद है ना मुझे चिया सीड्स, मुझसे इस तरह खाए नहीं जाते, लेकिन अगर आप खा सकते हैं चिया सीड्स, इट्स द बेस्ट है कि आप अपने इस ब्रेकफास्ट में चिया सीड्स को ऐड कर लें। तो बस ये एक छोटा सा मेरा जो ब्रेकफास्ट मील था, इसको खाने से 4 kg मैंने लूज़ किया था, साथ ही साथ मुझे इतनी ताकत रही थी मेरे जिस्म में, लाइक मेरी बॉडी में पूरा दिन, कि मुझे और कोई चीज़ और इतना फुल आपका ब्रेकफास्ट होता है कि मैंने लंच को स्किप करती थी और मैं डायरेक्ट शाम को 5 से 5:30 बजे तक डिनर कर लेती थी, वो क्या करती हूँ, और साथ में मैंने कावा या मैंने कौन सी ऐसी ड्रिंक्स पी हैं जिससे मैंने सिर्फ 1 week में 4 kg लूज़ किया है। तो वो मैं आपको आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर ये वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।